आज मैं किसी चीज़ का नामो निशान उड़ाने वाली हूँ और उसके लिए तैयारियाँ चल रही है। ये सब क्या मिक्सचर है ये मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले बता दूँ कि ये सब किसके तैयारियाँ हो रही है। तो ये हो रही है तैयारियाँ अमर बेल के लिए। आप देखिए सामने अमर बेल इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि क्या ही बताऊँ। वैसे बीच में जिस पर फैली है वो तो जंगली पौधा है, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पे सेब के पौधे हैं, तो दोनों ही साइड वो सेब के पौधों पर जा रही है। तो फिर देख लीजिए आप, मैंने ले लिया है हर्बिसाइड फायोपैरा घास पात नाशक। इसको मैं स्प्रे के थ्रू डालने वाली हूँ। ये रहा स्प्रे पंप। वैसे इसको पीठ में उठाते हैं ना, तो हम इसे पिट्ठू पंप भी कहते हैं। और यहाँ पर ये लीड लगा कर इसे चार्ज कर सकते हैं। और बस 20 लीटर का है ये। तो इसमें मैं डालूँगी हर्बिसाइड और डालूँगी पानी, उसका मिक्सचर बनाएंगे, फिर स्प्रे कर देंगे अमर बेल पर। तो इसलिए मैंने जो बॉटल थी ना उसमें उसी का ढक्कन, एक ढक्कन पहले यूज़ कर लिया, फिर टैप के नीचे इसको रख दिया। लेकिन फिर लगा मुझे कि थोड़ा और डाल देती हूँ ये, फिर थोड़ा आधे से करीब कम ढक्कन मैंने और डाल दिया, फिर मिक्स कर दिया पंप से ही, थोड़ा मिला लिया अच्छे से इसको, और फिर शुरू कर दिया अमर बेल पर स्प्रे करना। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मैंने नहीं दिया, क्योंकि इधर उधर सेब के पेड़ हैं तो फिर इसकी वजह से वो भी सूख जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से बीच बीच में मैंने पानी का स्प्रे किया और बहुत कम स्प्रे किया। वैसे तो स्प्रे को आप बड़ा भी कर सकते हो। और जो हमने बगीचे में तारे लगाई हैं ना सोलर फेंसिंग, तो उसके नीचे तारों के नीचे जो घास उग जाती है उसके लिए हम स्प्रे का यूज़ करते हैं। वरना क्या होता है कि करंट ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि घास बहुत बड़ी हो जाती है, फिर तारों में लिपट जाती हैं। तो घास को सुखा दो तो फिर ठीक रहता है, इसीलिए हम ये हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। और आज मैंने इसका इस्तेमाल अमर बेल पर कर दिया। आप देखो क्या हालत हो चुकी है इस पेड़ की, यानी कि टहनियाँ पत्ते सब गायब। हालांकि इधर उधर अमर बेल दिख रही है क्योंकि यहाँ पर सेब है ना, तो फिर मैं स्प्रे नहीं कर पाई, लेकिन फ्रंट में तो अमर बेल कहीं दूर दूर तक ही नहीं दिख रही। और जब सेब ख़त्म होंगे तो फिर इधर भी स्प्रे कर लेंगे। वैसे सर्दियों में स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी टहनियाँ काटनी ही पड़ती हैं प्रूनिंग के थ्रू ना। तो ये देखिए अमर बेल की हालत।